मज़ेदार स्टोरी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत शक्तिशाली और डरावना था। सारे जानवर उसे डरते थे। एक दिन शेर शिकार पर निकला और उसे एक शियार मिला। शेर ने शियार को पकड़ लिया और कहा, तुम मुझे बचने का एक मौका दूंगा, तुम्हें मुझसे बचने का एक मौका दूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शियार ने डरते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। शेर ने कहा, तुम मुझे जंगल के सारे जानवरों की जानकारी ला कर दोगे ताकि मैं आसानी से शिकार कर सकूँ। शियार ने इस प्रस्ताव को मान लिया और शेर का सेवक बन गया। शियार ने शेर को जंगल के सारे जानवरों की जानकारी देनी शुरू की। शेर अब और भी आसानी से शिकार करने लगा और उसकी ताकत और बढ़ गई। शियार ने सोचा कि वह शेर की कृपा से सुरक्षित है, लेकिन उसे पता नहीं था कि शेर एक दिन उसे भी मार सकता है। एक दिन शेर ने शियार से कहा, आज तुम मेरे लिए शिकार लाओ। शियार डर गया क्योंकि वह जानता था कि शेर की भूख कभी भी खत्म नहीं होती। शियार ने सोचा कि अब वह क्या करे। उसे एक योजना सूझी। उसने जंगल के जानवरों से कहा कि वे एक जगह इकट्ठा हो ताकि वह शेर को धोखा दे सकें। शियार ने जानवरों को इकट्ठा किया और शेर को उस स्थान पर बुलाया। शेर जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे जानवर हैं। शेर ने सोचा कि वह आज खूब सारा शिकार कर सकता है, लेकिन तभी शियार ने जानवरों को इशारा किया और सभी जानवर मिलकर शेर पर हमला करने लगे। शेर इस अप्रत्याशित हमले से हैरान हो गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जानवरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अंत में शेर हार मानकर भाग गया और शियार और बाकी जानवरों की जान बच गई। इस तरह शियार की चतुराई और जानवरों की एकता ने शेर को हराया और जंगल में फिर से शांति लौट आई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है और चतुराई से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। ऐसे ही इंप्रेशन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।